डेरा सच्चा सौदा के संस्थापक गुरमित राम रहीम को जब से पंचकुला में दोषी करार देकर उन्हें जेल भेज दिया गया, तब से डेरा सच्चा सौदा के समर्थक उपद्रव पर उतर आए और भारी हिंसकता में तब्दील होता गया जितना भी जनसमूह था, और उसी को लेकर जगह जगह आगजनी होते गई, पथराव होता गया, यहाँ तक कि कई मौतें भी हुई। और इसको लेकर दिल्ली व अन्य कई राज्यों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। लेकिन जब टैलेंट ऑफ इंडिया की टीम सिंघू बॉर्डर, जो हरियाणा और दिल्ली को जोड़ती है, वहाँ पर पहुँची तो सुरक्षा व्यवस्था में भारी चूक नज़र आई। वहाँ पर खड़े कुछ यात्रियों से हमने बातें की और हरियाणा रोडवेज कि बसें बंद होने से वो भारी दिक्कत में नज़र आए, जिससे महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, हर तरह का व्यक्ति वहां पर हमें अपने घर पहुंचने की जद्दोजहद में चलती गाड़ियों में लटक रहा था, भागते भागते चढ़ रहा था। टैलेंट ऑफ इंडिया से रोहता सिंह योगी। क्या नाम है जी आपका? सुरेश शर्मा। सुरेश जी, कहाँ जाएंगे आप? संभल का जाना। कहाँ से आए हैं आप? आया हूँ संभल के से, काम करे अंदर इंडिया में। तो आप कब से यहाँ परेशान खड़े हैं? 4 घंटे से। 4 बसें नहीं है? नहीं है, सुबह से नहीं है। सुबह से नहीं है तो यात्री परेशान हो रहे हैं सब। आपको कहाँ जाना है? मनोर जाना है जी। आपका क्या नाम है? विनोद कुमार। तो आप, बसें नहीं है? हाँ है, बस है ही नहीं जी कोई भी। क्या कारण है कुछ बताएंगे? कारण तो ये है जी, राम रहीम बाबा का। तो क्या ये ठीक कर रहे हैं ये लोग? सरकार बढ़िया कर रही है। सरकार बढ़िया कर रही है, करना चाहिए। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम संजय है जी। कहाँ जाएंगे आप? हम, मुझे पानीपत जाना है। और आए कहाँ से हैं आप? आए मैं राष्ट्रपति भवन में एम्प्लॉय हूँ। तो आप कब से परेशान हो रहे हैं यहाँ पे? मुझे 2 घंटे हो गए सर, मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ। और सुबह का ड्यूटी पे आना है, लेकिन भरोसा नहीं है ड्यूटी पे आ जाएगा या नहीं, और ये पता नहीं कब तक ये समस्या है। और ये जो हमारे जो राम रहीम जी है, ये उनको जो इन्होंने कल की है उसकी सजा दी जाए, आम पब्लिक को क्यों सजा दी जा रही है? ये सभी का लेडीज भी है, सब ड्यूटी करते हैं, सभी को होकर फिर जाना होता है, सुबह ड्यूटी पर भी आना होता है, लेकिन ये एक व्यक्ति के कारण सभी पब्लिक को तंग किया जा रहा है। सरकार को, हरियाणा सरकार को पता था, तो हरियाणा सरकार को पता था कि ये कार्रवाई होनी है। फोर्स भी इतनी घेर दी गई है, लेकिन किस लिए? एक आदमी के लिए इतना खर्चा किया जा रहा है, क्यों नहीं उसको पहले ही रिश्वत में लिया जाए? उसकी गलती है तो उसको रिश्वत में लिया जाए, और जो उचित न्याय है वो किया जाए। टैलेंट ऑफ इंडिया से रोहता सिंह योगी आज आपको दिखा रहा है सिंघू बॉर्डर। और जिस तरह का आपको पता है कि गुरमित राम रहीम को आज सजा सुनानी थी, और उसी को लेकर देश के कोने कोने में उपद्रव फैला हुआ है। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि दिल्ली को हाई अलर्ट कर दिया गया है, ऐसा यहां पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और जबकि ये सबसे मेन हाईवे है NH1, और हरियाणा और दिल्ली को जोड़ने वाला ये मुख्य मार्ग है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ किसी भी किस्म की कोई सुरक्षा व्यवस्था नज़र नहीं आ रही है। जिस तरह से अभी हमने यहाँ पे यात्रियों से भी बात की है, तो यात्री काफ़ी संख्या में परेशान है। क्यों? क्योंकि दोपहर से यहाँ हरियाणा की तरफ जाने वाली कोई भी गाड़ियाँ चालू नहीं है, और उसी को लेकर यात्री भारी संख्या में परेशान नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर सब अपनी अपनी समस्या होता है, जैसे बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, हर तरह का हर कोई जो है यहाँ पर दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ अगर सुरक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं, दिल्ली सरकार की जिस तरह कहा जा रहा है कि दिल्ली को हाई अलर्ट कर घोषित कर दिया गया है, अगर यहाँ पर किसी किस्म की भी कोई घटना घटती है तो उसकी जिम्मेवार कौन होगा? यहाँ पर किसी किस्म का कोई ना ट्रैफिक वाला है, ना दिल्ली पुलिस वाला है, ना कोई और सिक्योरिटी गार्ड है। टैलेंट ऑफ इंडिया से रोहता सिंह योगी।